चल रहा है, टेढ़ा पड़ा हो, किधर किधर होता है, ये जरा बताइए बच्चों लोग को। दादा भगवान खुद के लिए हमेशा बताते थे और दादा भगवान खुद की हमेशा बात करते थे कि बाहर की दुनिया में मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, मुझे सही में परेशान करने वाले कौन है। तो दादा भगवान हमेशा अपनी खुद की बात करते थे। खुद की बात करना उसी को कहते हैं सीधे सरल। जब जब हम दूसरों की बात करते हैं ना, उसी को कहते हैं टेढ़ापन। टेढ़ा मतलब जैसे हमारी उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां हैं, पांच उंगलियों में एक उंगली टेढ़ी हो गई, दूसरी उंगली सीधी है, तीसरी उंगली टेढ़ी हो गई, तो आप कैसे दिखोगे? पांचों उंगली अपने अपने एक साथ काम करती है और पांचों उंगलियां एक होकर काम करती है, तो हम कहते हैं भाई साथ में है। मगर पांच उंगली में से एक उंगली टेढ़ी हो गई, दूसरी सीधी है, तीसरी टेढ़ी हो गई, तो आपका हाथ कैसे दिखेगा? आपका हाथ हैंडीकैप जैसा दिखेगा। आपके दो पैर है, दो पैर साथ में चलते और दो पैर में से एक पैर मुड़ गया या तो टेढ़ा हो गया, तो आपका चलना टेढ़ा हो जाएगा, या तो आप बहुत स्पीड में चल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके दो पैर में से एक पैर टेढ़ा है, एक पैर सीधा है। आप देखना, आपकी दो आंखें हैं, उसमें से एक आंख भी टेढ़ी हो जाए तो भी आप अच्छे नहीं दिखोगे। इसी तरह दादा भगवान ने कहा, जब जब मैं खुद की बात करता हूं और खुद की बात में खुद की गलतियों की बात करता हूं, उसको सुपर सीधा और साधु कहा। सीधा तो कहा, स्ट्रेट तो कहा ही, मगर जब अपनी खुद की बात और खुद की गलतियों को दिखाने की बात, या तो खुद की गलतियों को खुला करने में जो अपना समय निकालते, उसको साधु कहते हैं। अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की बुराइयां करना, इसको टॉप क्वालिटी का टेढ़ापन कहते हैं। क्योंकि खुद की प्रशंसा करना, खुद की अच्छाई बोलना, खुद के अच्छापन दिखाना और दूसरों का बुराई करना, इसको तो दादा भगवान ने कहा ये तो संसार में भी नहीं चले, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी नहीं चले, तो मोक्ष की बात तो कहां करें हम। क्योंकि बार बार टेढ़ा होना, बार बार खुद की प्रशंसा करवाना, या तो खुद की अच्छाइयां देखना खुद की और दूसरों की बुराइयां बोलते रहना, तो दादा भगवान कहते हैं इसको तो संसार में भी काम में ना आए, पढ़ाई में भी काम ना आए, और फ्यूचर में अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में खुद दुखी हो जाए, ऐसे क्वालिटी इन्होंने खड़ा कर दिया। इसके लिए दादा भगवान हमेशा कहते थे कि हम जितना टेढ़ा मिले हमको, उतना हम सीधा होकर रहते थे। इसके लिए बाहर से कोई भी संजोग अगर हमको पसंद ना आया, हमारी इच्छा के अनुसार कोई संजोग ना मिला, तो हम तुरंत अपने आप को सीधा कर लेते थे ताकि संजोग हमें बहुत आनंद और सुख देकर जाए। जब संजोग सीधा हो, तब दादा भगवान कहते हैं कि संजोग सीधा है तो इसमें मुझे क्या फायदा। जब संजोग या कोई व्यक्ति, मतलब कोई घर के सदस्य, या तो घर के कोई भाई बहन, पेरेंट्स, इसमें से कोई टेढ़ा हमारे साथ हो जाए और हम उस जगह पर सीधा होकर रहे, तो दादा भगवान कहते थे कि अगर आप घर में
सबके साथ सीधा होकर रहोगे तो साधु होने की भी जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की इच्छा करने की भी जरूरत नहीं, आपको अपने आप सब कुछ मिलता ही जाएगा। मगर जहां पे हमारा लगाव है, जिससे हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारा बहुत अच्छा बनता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहां टेढ़े हो गए, क्योंकि वहां पे हमारे पेरेंट के साथ हमें अच्छा ही अच्छा लगाव है, अच्छा रिलेशन है, तो हम कब टेढ़े हो गए बोलने में, कब टेढ़े हो गए देखने में, कब टेढ़े हो गए सुनते सुनते, और कब टेढ़े हो गए मन में, मतलब भीतर से। क्योंकि भीतर से टेढ़ा होना ये किसी को नहीं दिखाई देगा, मगर खुद को बहुत दुख पहुंचता है। और भीतर से सीधा रहना और बाहर से भले ही आप टेढ़ा हो तो लोग आपको सीधा कर देंगे, मगर भीतर से सीधे हो तो आपको अंदर का सुख, अंदर की शांति इतनी बढ़ेगी कि बाहर अपने आप को आप दूसरों को समर्पण कर देंगे। जैसे कि घर में मम्मी मिले और मम्मी ने कुछ काम बताया, आप भीतर से सीधे हो, भीतर से टेढ़े नहीं हो, तो आप आपकी मम्मी के साथ भी सीधे रहोगे। आज आपके पापा ने कुछ काम बताया, या तो पापा ने टोका आपको, या तो पापा ने आपको कुछ डांटा, कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, ये बुरी संजोग में जो आपको अच्छे नहीं लगते, वो संजोग में वो व्यक्ति के साथ, वो सदस्य के साथ सीधा रहना, ये दादा भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ी कमाई है। क्योंकि टेढ़े, पापा ने कुछ डांटा, पापा ने कुछ गुस्सा किया, मम्मी ने कुछ गुस्सा किया, और वहां मुझे सीधा रहना है, तब देखना आपकी एग्जाम पता चल जाएगी। मैं बाहर से तो सीधा दिखाई दे रहा था, कब टेढ़ा हो गया मुझे पता तक नहीं चला। और टेढ़ा इतना हो जावे कि मम्मी जैसा भी हमको मैनर्स भूल जाए, हम गुस्से में आ जाए, या तो रूठ जाए, या तो न बोलना वो भी बोल देवे, न बोलना चाहिए वो भी हमारे मुंह से निकल जाए। क्योंकि टेढ़ा, दादा भगवान कहते थे खुद कि हम और हमें पूरा हमारा मोहल्ला, जहां पर हम रहते थे वो मोहल्ले में भी हमें सभी कहते थे कि दादा भगवान जैसे। तब दादा अंबालाल काका थे, दादा भगवान हुए नहीं थे। लोग कहते थे कि नहीं, ये अंबालाल काका तो भगवान जैसे। फिर अंबालाल काका ने खुद ने खोजा अपने आप को कि मैं देख तो लूं मैं कहां कहां सीधा हूं, कहां कहां भगवान जैसा हूं और कहां कहां टेढ़ा हूं। तब उनको पता चला कि बाहर से लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग मेरी बहुत अच्छाइयां करते हैं, मगर टेढ़ापन मेरे भीतर जो है वो मुझे समझ में आया। एक बार दादा भगवान के बड़े भाई जिनका नाम था मणि भाई, वो बड़े भैया ने दादा भगवान के साथ कुछ बातें चलती थी, और बातें करते करते दादा भगवान ने कह दिया कि आप में अहंकार ज्यादा है। तब उसके बड़े भैया मणि भाई ने कहा, मुझसे तो कहीं ज्यादा अहंकार तुझ में है। तब अंबालाल काका ही, मतलब दादा भगवान को हुआ कि मेरे भीतर कहाँ है इतना, मेरे में तो इतना अहंकार है नहीं, मैं तो इतना ईगो है नहीं। तो फिर बड़े भैया ने क्यों कहा, जब उन्होंने खोजा और उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि मेरे भीतर अहंकार बहुत भारी है। ये ढूंढने पर, अपनी गलती या अपना अपनी खुद की पहचान करने पर अपने आप सीधे बन जाओगे। केवल सीधे नहीं, आप साधु कहलाओगे। सीधे तो बहुत लोग हैं मगर साधु, क्योंकि खुद की गलतियों को
देखना और खुद की गलतियों की बात करना और दूसरों की अच्छाइयां बात करना, ये तो बहुत बड़ा साधुपन है। टेढ़े से मुक्त, सीधेपन से भी मुक्त और साधु धर्म, क्योंकि 100% सीधा होना मतलब साधु धर्म में आना। ये बात दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को भी कहा था, भले ही आप साधु बनो या ना बनो मगर सीधे जरूर बन जाना, क्योंकि सीधा बनने की जरूरत है, साधु बनने की जरूरत नहीं है। सीधे बन जाओगे तो इस दुनिया में आपका कोई नाम नहीं लेगा, और नाम ले भी लेगा तो वो भी कहेगा कि मैंने गलती की, इनका नाम लेकर या तो इनकी बुराइयां कर कर, उनको खुद को भी पछतावा हो जाए, क्योंकि बहुत कचरा पड़ा हो और कचरे के सामने बैठना पड़े, बहुत कचरा पड़ा है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत खराब स्मेल आ रही है, और वहां जाके 5 मिनट बैठना, ये आप कर पाएंगे? नहीं। इसी तरह हमारे भीतर बहुत कचरा पड़ा है, बहुत गलतियां हैं। जब कोई माता पिता या कोई और गलती दिखाते ना, तो गलती हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतना सारा कचरा अंदर होते हुए भी अपने को, अपने आप से अपने आप को सजाना, या तो अपने आप को बार बार उसको संवारना अच्छा लगता है। जब दादा भगवान ने कहा कि ये शरीर, ये वाणी और आपका मन इतनी गलतियों से भरा है, इतनी गलतियों से भरा है कि कचरे का डिब्बा भी अच्छा कहलाए, उससे भी कहीं गुना खराब आपके मन में पड़ा है कचरा, आपकी वाणी में है और आपके शरीर में है, फिर भी ये होते हुए भी उसके साथ रहने का आपको अच्छा लगता है, ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि मेरे मन में बहुत कचरा है, इतनी गलतियां हैं और इतनी गलतियां करके भी मैं आराम से सो सकता हूं, आराम से टीवी देख सकता हूं, आराम से बातें कर सकता हूं, आराम से चॉकलेट कैडबरी खा सकता हूं, इतनी गलती मन में होने पर, वाणी से इतनी गलती हो जाए, इतनी अपनी स्पीच वाणी इतनी गलती हो जाए कि हम अगर पूरे दिन में अगर हम ढूंढ लेना तो हमारी वाणी, हमारी खुद की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है, हमारी वाणी में दूसरों की बुराइयां 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 और खुद की अच्छाइयां अच्छाइयां अच्छाइयां। शरीर देखो आप, शरीर इतना अच्छा बढ़िया खाना खाता है, इतना बढ़िया उनको हवा मिलती है, पानी मिलता है, मिनरल वाटर पीते हो, आरओ वाटर पीते हो, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े ऐसे ऐसे कलर के पहनते हैं ताकि शरीर की गलतियां भी किसी को दिखाई ना दे, शरीर का कचरा किसी को ना दिखाई दे। एक हमारे, हम जो बेडरूम में रहते हैं या तो हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम का भी कचरा निकालने का हमको अच्छा नहीं लगता है, वो तो हमारे माता पिता है जो माँ हमारे बेडरूम में से भी कचरा निकाल के पोता लगाकर क्लीन करके हमारे लिए रखती है। बाकी हमको, हम जो बेडरूम में रहते उसका कचरा निकालने की हमको फुर्सत नहीं, या तो देखने की फुर्सत तक नहीं है, तो हमारे भीतर के कचरे को देखने के बाद उस कचरे के साथ मोहब्बत करना, उस कचरे के साथ प्यार करना, ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। सही में कहूं तो अपने मन वाणी काया, ये दादा भगवान मिले इसके लिए मैं कहता हूं कि मन वाणी काया कुछ काम के है, बाकी मैं कहूं तो ये मन वाणी काया से हमें एक मिनट के लिए भी सुख नहीं आ रहा है। आइसक्रीम खाते हो सुख आता है,
मगर आइसक्रीम जैसे ही खत्म हो जाए वापस दुख की शुरुआत हो जाती है। ये तो ये मन वाणी का आया दादा भगवान के ज्ञान में, और दादा भगवान की ये पथ पर हमें ये मन वाणी काया को एक रास्ता मिला। इसके लिए मन वाणी काया का हम एक सैल्यूट करते हैं, उपकार मानते हैं। अदरवाइज ये मन वाणी काया हमें कहां धोखा दे देवे, कहां हमारा मन किसके लिए नेगेटिव हो जाए, कहां हमारी वाणी किसको दुख देने के लिए निकल जाए, ये हमें पता तक नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि जितना जितना त्रिमंत्र बोलोगे, क्योंकि त्रिमंत्र में इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के टॉप क्वालिटी के पुरुष को नमस्कार करते हम, और टॉप क्वालिटी वाले पुरुष को नमस्कार करने से हमारे भीतर क्वालिटी बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, और टेढ़ापन हमें दिखाई देता है और निकलते जाता है। इसके लिए त्रिमंत्र नमो अरियंताणम बोलने पर हमें सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन हो, नमो सिद्धाणम बोलने पर हमें सिद्धाणम सिद्ध भगवंत मतलब ऋषभदेव भगवान, महावीर स्वामी, राम भगवान, हनुमान जी, ये सभी नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम बोलते ही शुद्ध आचार, खुद 100% शुद्ध आचार में, आचार मतलब क्रिया में आना, बिहेव में, बिहेवियर, शुद्ध आचार भीतर से और बाहर से भी, ऐसे आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। नमो वज्रायाणम मतलब खुद भगवान के बताए हुए रास्ते पर खुद चलते हैं, और जहां जहां गलती होती है तो खुद को वो धोकर आगे बढ़ते हैं, भगवान की बताई हुई बात खुद समझने की पूरी पूरी निष्ठा रखते हैं, और दूसरों को भी वो समझाने का काम करते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। उवज्जायाण मतलब उपाध्याय भगवंत, ऐसे उपाध्याय भगवंत भगवान की बात समझने में खुद को इतना नीचे, लघुत्तम, कभी भी गुरु ना बने, किसी का भी ना बने, खुद समझते हैं और दूसरों को समझाते, खुद भगवान के पीछे पीछे चलते और दूसरों को चलाने का एक बात करते हैं। ऐसे भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। नमो लोए सव साहूणम, इस ब्रह्मांड के सभी साधु संतों को मैं नमस्कार करता हूं। दादा भगवान ने कहा साधु मतलब जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, संसार से वो मुक्त हो गए हैं, मतलब संसार का त्याग कर चुके हैं, वो साधु दुनिया की नजरों में साधु है। साथ साथ भगवान ने कहा कि भगवान की दृष्टि में केवल आत्मदशा, केवल खुद के भीतर रहे परमात्मा को ही प्राप्त करने में साधना में लगे हैं, खुद के भीतर रहे परमात्मा का अनुभव करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। ये कोई आम पुरुष नहीं है। जैसे हम त्रिमंत्र बोलते हैं तो ये त्रिमंत्र, इसमें ये नौकार मंत्र मतलब इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष, सुपर पुरुष, सुपर क्वालिटी वाले पुरुष को नमस्कार करने से हमारे भीतर क्वालिटी बढ़ती है, हमारे भीतर का टेढ़ापन निकलता है, और दादा भगवान की बताई हुई बात हमको समझने में आसानी होती है। ऐसो पंच नमोकारो, ऊपर के पांच पुरुषों को नमस्कार करने से सव पाव पणासनो, सभी पापों को भस्मीभूत करते हैं, भीतर के सभी विघ्न
भीतर के सभी विघ्न में सर्वश्रेष्ठ विघ्न खुद का टेढ़ापन। दादा भगवान कहते थे कि हमारा ज्ञान समझ में नहीं आए तो चलेगा, हमारी ज्ञान की बातें नहीं करेगा तो चलेगा, मगर सरल रहना, सीधा रहना। जैसे हनुमान जी राम जी राम भगवान के पास सीधे, मतलब 100% समर्पण। हनुमान भगवान ने राम भगवान के चरणों में 100% समर्पण, उस समर्पण में कहीं पे भी उन्होंने खुद ने अपना सिर भी ऊंचा नहीं किया। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान को समर्पण किया। जितना टेढ़ापन कम होते जाए और जितना सीधापन खड़ा होते जाए, उतना समर्पण करने में हमारा खुरा उसकी परसेंटेज बढ़ती जाए। सव पावक पणासनो मंगलाणम च सव्वेसी पद्मम भवै मंगलम। ऊपर के 5 पुरुषों को नमस्कार करना मंगल है और सर्वप्रथम मंगल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान एक वासुदेव थे, ऐसे 9 वासुदेव हुए। कृष्ण भगवान 9th वासुदेव थे, उसके पहले 8 वासुदेव हुए, जो खुद अपनी प्रकृति से मुक्त होकर, मतलब नारायण हुए, नारायण स्वरूप। और भगवान की बताई हुई बात थोड़ा सा भी आगे पीछे किए बिगर लोगों तक पहुंचाने में जिनका सामर्थ्य है, जिनकी पास शक्तियां है, जिस तरह तीर्थंकर भगवान तो और ज्ञानी पुरुष की बात जैसी है वैसी ही बताने में थोड़ा सा भी आगे पीछे न हो, ऐसे जगत के हरेक जीव को पहुंचाने में ये वासुदेव भगवान बहुत बड़े और अच्छे निमित्त है, उत्कृष्ट निमित्त है। वासुदेव भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वासुदेव बनना कोई आसान बात नहीं है। वासुदेव मतलब एक डिग्री है, वासुदेव किसी का नाम नहीं है। कृष्ण भगवान 9वें वासुदेव थे और आज भी कृष्ण भगवान का नाम अभी भी इतनी ही पूजनीयता से लिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। आज आप देखो नरेंद्र मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब, इन्होंने भी यूपी में, यूपी को एक शिव बम बम बोले महादेव की नगरी कहा है। बम बम बोले, क्योंकि बम बम बोले मतलब तो कि ना तो संसार की भाषा है और ना किसी को समझ में ऐसी भाषा है। वो भाषा मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। शिव शिव नगरी और शिव ओम नमः शिवाय। दादा भगवान मतलब शिव स्वरूप, जो खुद अपने मन वचन काया से मुक्त हुए हैं, जन्म मृत्यु से, जन्म मरण से मुक्त हुए हैं और अमर पद ने अमर पद को प्राप्त किया है और दूसरों को अमर पद प्राप्त करवाने में निमित्त बनते हैं, ऐसे शिव कल्याण स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। ये जब आप बोलोगे ना, और अंत में दादा भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद, हमारे भीतर जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे जैसे त्रिमंत्र बोलोगे भीतर के विघ्न दूर होते जाएंगे, और जैसे भीतर के विघ्न दूर हुए तो बाहर से तो विघ्न है ही नहीं। बाहर के विघ्न तो जगत दुनिया कहती है विघ्न। इसके लिए कहते हैं कि आप अभी बच्चे हो, यंग हो, जितना चाहो उतना टेढ़ापन बढ़ा सकते हो और जितना चाहो उतना टेढ़ापन कम कर सकते हो। शक्तियां आपके पास बहुत है,
इतनी शक्तियां हैं कि अगर एक बार आप तय कर लो, निश्चय कर लो, तो सत्संग तो ना छूटे, मगर सत्संग जितना ना छूटे उतनी पढ़ाई भी आपकी छूटेगी नहीं। पढ़ाई में भी आप बहुत आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सत्संग जितना छूटा उतनी पढ़ाई छूटी, और जितनी पढ़ाई छूटी उतना आपके भीतर से विनय कम हो गया, और विनय कम होना मतलब टेढ़ापन बढ़ना। जितना टेढ़ापन बढ़ता है उतना विनय कम होते जाता है। तो दादा भगवान ने कहा कि धीरे धीरे परम विनय में आना है, इसके लिए ये सारी सत्संग हमें बहुत तरीके से सत्संग में सिंसेर रहना और सत्संग में प्रेजेंट रहना, मतलब समझ लेना कि आप हर जगह प्रेजेंट रह पाओगे। मोबाइल में प्रेजेंट रहना मतलब सत्संग में एब्सेंट रहना, और सत्संग में एब्सेंट रहना मतलब एग्जाम में फेल होना, और एग्जाम में फेल हुए तो परम विनय, दादा भगवान का परम विनय और विनय मार्ग में फेल हो चुके, और टेढ़ापन में आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट मार्क लाएंगे, आपको लोग शाबाशी देंगे कि बहुत होशियार है ये, किसी की पकड़ में नहीं आता है, किसी की पकड़ में ना आए और बहुत होशियार कहने वाले को दादा भगवान कहते थे बहुत ही टेढ़ा है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया निशान जी। हरीश आपका क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ओके। मोनिका दीदी कृष्णा को कुछ कहना था जी। हाँ जय सच्चिदानंद, कल मेरी एग्जाम तो इसलिए आशीर्वाद दीजिए आप लोग की मुझे अच्छी तरह एग्जाम में कर लिख पाऊं।